नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर नगर महू पर ट्रेनों के मेंटेनेंस के लिए तीसरी पिट लाइन का निर्माण कार्य किया जा रहा है, उसके बारे में विशाल शेलके जी की यह महत्वपूर्ण रिपोर्ट देखिए। आज हम खड़े हैं डॉक्टर अंबेडकर नगर की लाइन नंबर पिट लाइन नंबर 3 पर, जो अभी बन के तैयार है, परंतु इस पर रेल बिछा दी है पर रेल के जॉइंट नहीं लगाए हैं। बस रेल रखी हुई है इसमें, ना जॉइंट लगाए ना फिट हुई है रेल। लाइन नंबर फिट है, ये फुल लेंथ लाइन है, फिट लाइन फुल लेंथ की है। आगे से कर्व है पूरा दोस्तों, ये देखिए वहाँ सामने से एक पॉइंट और डल जाएगा, जो ये पिट लाइन में लाइन को लिंक कर दिया जाएगा। अभी ये लाइन जो जा रही है वो आगे जा रही है व्हील ट्यूनिंग डिपो में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा मैं बता रहा था, व्हील ट्यूनिंग ये कोचिंग केयर डिपो व्हील लैब शेड, यहाँ पर व्हीलों को ट्यून किया जाता है, रिकंडीशन किया जाता है, यानी बोल दिया जाए सरल भाषा में तो व्हीलों को रिपेयर किया जाता है कोच के। ये आगे का हिस्सा, यहाँ पर भी पट्टियाँ तो पूरी बिछा दी गई लेकिन उनको फिट नहीं किया गया, ना ही जोड़ लगाए गए हैं। दोस्तों ये पिट लाइन नंबर 2 पर खड़ी है अंबेडकर नगर नागपुर, जो सुबह ही आई है और अब डॉक्टर अंबेडकर नगर कामाख्या बनकर दोपहर में यहाँ से चलेगी। दोस्तों ये है डॉक्टर अंबेडकर नगर का कोचिंग केयर डिपो, ये डीजल पंप है जहाँ से जनरेटर और डीजल इंजन में डेमो में फ्यूल भरा जाता है। इसका पॉइंट आगे है, यहाँ पर ये रखे हुए हैं टैंक। वर्तमान में डॉक्टर अंबेडकर नगर महू स्टेशन पर 2 पिट लाइन होने से ट्रेनों के मेंटेनेंस करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। यदि यह तीसरी पिट लाइन जल्द से जल्द तैयार हो जाएगी तो और भी ट्रेनों का मेंटेनेंस करने में सहूलियत होगी। साथ ही जो इंदौर आकर टर्मिनेट होने वाली ट्रेनें हैं उनको भी डॉक्टर अंबेडकर नगर महू तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे यहाँ से नई ट्रेनें दूसरे स्थानों के लिए मिल सकती है। क्षेत्र के लोगों को तो सुविधा होगी ही, साथ ही इंदौर स्टेशन पर भी नई ट्रेनें चलाने के लिए जगह हो जाएगी। इसके लिए यह तीसरी पिट लाइन का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आप सभी का धन्यवाद।